नादौन में मीडिया ग्रुप द्वारा पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत नादौन के एसडीएम कार्यालय परिसर में औषधीय पौधे रोपे गए। इस मौके पर एसडीएम दिलेराम धीमान ने मीडिया ग्रुप द्वारा आयोजित पौधारोपण अभियान की सराहना की और कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाकर ही पर्यावरण को हरा भरा व स्वच्छ बनाया जा सकता है। नादौन में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम के मौके पर एसडीएम दिलेराम धीमान ने कहा कि आज हम प्रदूषित वातावरण से होने वाली समस्याओं और बीमारियों से जूझ रहे हैं और अधिक से अधिक पौधे लगाकर ही इसका हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि युगों पहले भारतीय ऋषि मुनियों ने वनों में रहकर पौधे लगाने और शुद्ध व ताजी हवा में गुरुकुल चलाने का संदेश दिया था। उनके दिखाए मार्ग पर अनुसरण करके ही हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो मीडिया के द्वारा एक वृक्षारोपण का कार्य किया गया, जिसमें कि मैंने स्थानीय बीडीओ ने और बाकी अधिकारियों ने भी भाग लिया। मैं अपने उपमंडल के सभी जितने भी हमारे यहाँ जनता है, जितने भी बच्चे लोग बड़े बूढ़े जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कुछ काम करते हैं नहीं करते हैं खेती बाड़ी, सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया करके एक कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाइए और उसकी देखभाल करिए। अपने जीवन में एक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखिए। हर वर्षा दी आप एक एक पेड़ भी लगाएंगे तो शायद हमारे बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे और हम एक अच्छा वातावरण तैयार करने में कामयाब। इस अवसर पर नादौन विकास खंड अधिकारी तविंद्र चुनौरिया ने कहा कि नादौन विकास खंड में इस बार 60 से 70 हजार पौधे विभिन्न पंचायतों में लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा कर लिया जाएगा। हमने एसडीएम साहब के साथ मिल के वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम किया, जिसमें भिन्न भिन्न प्रजातियों के कुछ पौधे लगाए गए। इसके साथ ही हमारा पूरे खंड विकास कार्यालय में हम आने वाले 15-20 दिनों में 60 से 70 हजार के करीब वृक्षारोपण का अलग अलग प्रजाति के जो वृक्ष हैं उनको लगाएंगे। इसके साथ ही मेरा यहाँ के सभी निवासियों से भी ये आग्रह रहेगा कि जैसे भी संभव हो सके सभी परिवार वाले प्रत्येक सदस्य हरेक परिवार का एक एक वृक्ष लगाए, ताकि हमारा पर्यावरण बचे सुरक्षित रहे। वहीं उद्यान प्रसार अधिकारी डॉक्टर निशा मेहरा ने कहा कि पौधारोपण का बीड़ा काफी सार्थक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि बच्चे बूढ़े और जवान जब भी फल खाएं तो उनकी गुठलियों को भूमि में दबा दें ताकि वो खुद उग सकें। उद्यान विभाग की तरफ से आज हमने एसडीएम साहब के सौजन्य और वीडियो साहब के सौजन्य से यहाँ पे आज वन महोत्सव मनाया गया, जिसमें हमने यहाँ पे कुछ फलदार पौधे लगाए हैं, जिसमें आम है, लीची है, अमरूद है, कुछ नींबू के भी पौधे लगाए गए हैं। ते में कम से कम भी एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि जब भी आप पौधा मतलब फल बाज़ार से लाते हैं खाते हैं, उसकी जो गुठलियाँ बचती हैं उन्हें फेंका ना कीजिए अननेसेसरी, चाहे रोड साइड में आप लगाते हुए जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हमारे यहाँ लगें और जिससे हमारा वातावरण शुद्ध हो। सिटी चैनल के लिए नादौन से संजीव बॉबी की रिपोर्ट।